और दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। हम लोग प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ कारक पहले पढ़ चुके थे। आज हम लोग लास्ट कारक है कि तापमान का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक अगर चालक तार है बाबू, ठीक है, इस चालक तार का 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर प्रतिरोध 100 ओम है, अगर इसका तापमान बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है ना? यानी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव क्या हुआ? तो हम लोग लिखेंगे कि जब किसी चालक तार का, ठीक है, जब किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाया, सॉरी, तापमान बढ़ाया जाता है, तो प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना? यानी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये सब लोगों को पता होता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अगर हम इसके तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो इसका प्रतिरोध 100 से बढ़कर कितना होगा, ठीक है ना? तो इसको निकालने के लिए किताब में एक फार्मूला दिया रहता है, और वह फार्मूला है बाबू, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, या डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। अब ये समझते हैं कि क्या है। देखिए, जो प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध होता है, यानी यहाँ पर इसका प्रारंभिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था और इसका प्रतिरोध 100 ओम है, तो जो प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध होता है उसको आर नॉट कहते हैं। यानी हम लोग लिखना चाहेंगे कि जहाँ आर नॉट क्या है, तो आर नॉट है प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध, प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध, ठीक है ना? जो शुरू वाला जो होता है तापमान, उस पर जो प्रतिरोध होता है उसको लिखते हैं आर नॉट, ठीक है। कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान क्या होगा, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान क्या होगा उसी को आर कहते हैं। यानी आर ये वाला जो इधर है वह क्या है, तो जिस तापमान पर प्रतिरोध निकालना है उसका मान है। यानी हम लोग लिख सकते हैं दूसरा वाला बात, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R का मतलब अंतिम तापमान पर प्रतिरोध, ठीक है ना जी, अंतिम तापमान पर प्रतिरोध। ये क्या हो गया बाबू, अंतिम तापमान पर प्रतिरोध। डेल्टा टी क्या है, तो ये तापांतर है, तापांतर, ठीक है। तापांतर का मतलब पहले था 10, फिर हो गया 100, यहाँ पर ताप का अंतर कितना डिग्री है, तो 100 में से 10 घटा दोगे 90 डिग्री, तो डेल्टा टी का मान कितना डिग्री हो गया बाबू, 90 डिग्री। तो आर नॉट का मान शुरू वाला प्रतिरोध, आर का मान अंतिम वाला प्रतिरोध, डेल्टा टी माने तापांतर, और ये वो अल्फा है, तो अल्फा क्या है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना? तो अल्फा का मतलब होता है प्रतिरोध का तापमान गुणनांक, प्रतिरोध का तापमान गुणनांक, ठीक है। तो प्रतिरोध का ये तापमान गुणनांक हो गया। तापमान गुणनांक का मतलब क्या है, जैसे देखिए, एक एक अगर हम लोग पढ़े हैं, ऐसे 9th-10th में पढ़ते हैं कि जब किसी एल लंबाई के छड़ का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ता है, तो रेखीय प्रसार जो होता है, रेखीय प्रसार गुणांक को ही अल्फा कहा जाता है, तो उसी से रिलेटेड टर्म यहाँ पर अल्फा है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा कि जब चालक तार का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन यह है कि तापमान बढ़ा देने पर प्रतिरोध कितना बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा उसके लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टीटा। आर नॉट का मतलब प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध, R का मतलब जिस तापमान पर निकालना है उसका प्रतिरोध, डेल्टा टी का मतलब तापांतर, अल्फा का मतलब प्रतिरोध का तापमान गुणना। ये जो टॉपिक है बाबू, यहाँ तक अगर आप इतना याद रखते हैं तो आप 12th के लिए आराम से लिख सकते हैं। 12th में इतना ही लिखना होता है, अगर न्यूमेरिकल भी आएगा, अभी हम न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे इस पर, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी अगर जेई का बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, ठीक है ना? ये था समझिए कि रटा रटा है बात, इतना आप याद रखिए, ठीक है।
कभी कभी जेई मेंस में क्या होता है ना कि इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फार्मूला कहाँ से है। ऐसे अगर आप किताब देखेंगे तो डायरेक्ट ही फार्मूला लिख देगा, ठीक है ना। लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो अभी हम आप बता दे रहे हैं। तो ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट है इतना भी अगर याद रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो जेई की तैयारी करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आता है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा बता देते हैं। अभी जो हम कैलकुलेशन करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला खाली याद होने चाहिए और इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आना चाहिए। जो ट्वेल्थ का स्टूडेंट है उसको भी न्यूमेरिकल आना चाहिए, जो जेई का है तो उसको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, उसको आप देखिए ये फार्मूला कहां से है, अभी तुरंत हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो एक्सपेरिमेंटल है कि चालक तार का प्रतिरोध यानी dr / r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा या डेल्टा t या dt, ठीक है ना, ये होता है। अब जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टूटेगा दोस्त, तो इसके जगह पर एक अनदर कांस्टेंट आएगा अल्फा और डी टी, और ये अल्फा जो क्या है प्रतिरोध का तापमान गुणांक, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो दोनों को इंटीग्रेशन करते हैं। देखिएगा यहाँ शुरू हो रहा है, ये अंत हो रहा है। अगर शुरू में मान लो टी वन तापमान है और अंत में इसका टी टू तापमान है, शुरू के तापमान पर जो प्रतिरोध होता है उसको आर नॉट लिखते हैं, अभी समझाए थे, और अंत के जो तापमान होता है उसका जो प्रतिरोध होता है उसको आर लिखते हैं, ठीक है ना। और आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बाबू कि dx बटा x इज इक्वल टू log x, ठीक है ना, dy बटा y इज इक्वल टू log y, मतलब जो यहाँ वही यहाँ, तो log के रूप में लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम लिखें dr बटा r तो आप एकदम आसानी से बोलोगे सर log r, ठीक है ना। यानी कि dr बटा r इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये log r होने वाला है, ठीक है, हमने लिख दिया आपके कहने पर log r, और यहाँ से यहाँ क्या होगा बाबू r नॉट से r तक, r नॉट से r तक जा रहा है, अल्फा कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकल जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन होता है बाबू t कहाँ से कहाँ जाएगा, t1 से t2, ठीक है ना। अब बताओ सबसे पहले r पुट करोगे उसके बाद r नॉट पुट करोगे, तो हम पुट करके दिखा देते हैं। देखो तो हो जाएगा बाबू log r माइनस log r नॉट इज इक्वल टू अल्फा तो रहेगा यहाँ पे, और सबसे पहले टी टू माइनस हो जाएगा टी वन, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा एक फार्मूला होता है बाबू log a माइनस log b, तो ये आपको पता होगा इसको कहते हैं log a बटा b, तो उसी तरह से आ जाएगा बाबू log r बटा r नॉट और t2 माइनस t1, यानी जैसे उस क्वेश्चन में था कि 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो तापांतर कितना होगा, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, और ताप अंतर यानी परिवर्तन, तो परिवर्तन को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा टी मेरे तापांतर लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा बाबू लॉग आर बटा आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। देखिए ये जो लॉग है ना इसका बेस ई है, कितना है बेस ई। अब इस लॉग को हम हटाना चाहते हैं, तो देखिएगा आपको पता होगा कि ए के होल पावर में लॉग हो और उसका भी बेस ई हो, तो ए लॉग को खत्म करके आंसर डायरेक्ट बी आता है। यहाँ पर इसका बेस ई है बाबू, तो यहाँ पर अगर हम ई कर दे तो इधर भी ई करना होगा। अब ये दोनों चीज सेम है तो आंसर में डायरेक्ट क्या लिखोगे, आर बटा आर नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा आर बटा आर नॉट इज इक्वल टू ई के पावर अल्फा डेल्टा टी। अब इसको इधर ले जाओगे तो आर नॉट इंटू ई के पावर अल्फा डेल्टा टी, एक इक्वेशन निकलेगा। देखो ये जो है ना अभी हम लोग पढ़े थे कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, उसका एक्चुअल फार्मूला ये बना है, एक्चुअल फार्मूला ये, वो फॉर्मूला कहां पर लगेगा और कहां नहीं लगेगा, वो कितना सही है कितना नहीं सही है, यहां से क्लियर होगा, ठीक है ना। अब यहां से चलिए, तो मेन बाबू जो फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू यू के पावर अल्फा डेल्टा थीटा। जो हम लोग पहले पढ़े ना वो सब के लिए सही नहीं होगा, कहां पर सही होगा कहां पर सही नहीं होगा उसके लिए हम ये बता रहे हैं आप, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि बकवास चीज है, तो आप ऐसा करिए कि इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, मेरे पास जगह नहीं है, उसके बाद हम उसको और आगे डिटेल्स करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब यहां से देखिए, देखो बाबू यहां पर आया है R इज इक्वल टू आर नॉट ई के पावर अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। कहता है कि अगर अल्फा डेल्टा टी वन के बराबर या वन से कम हो, वन के बराबर या वन से कम हो तब क्या होगा, इसको समझना। ऐसे ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन जो भी ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट होते हैं उन सबके ये पता होने चाहिए, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट होता है दोस्त, ठीक है।
अब देखो उसी के अनुसार अगर इसको एक्सपेंड करोगे बाबू, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो आर नॉट ई के पावर एक्स, एक्स के जगह पर है अल्फा टी, ठीक है, तो वन प्लस एक्स के जगह पर यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होगा, वन प्लस एक्स के जगह पर क्या लिखोगे अल्फा टी, एक्स स्क्वायर के जगह पर अल्फा टी स्क्वायर होगा, और आगे बढ़ते जाओगे क्या लिखोगे बोलो, अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमने क्या कंडीशन लगाया है कि अल्फा डेल्टा टी वन से कम है, अब थोड़ा एक बात हमको समझाना, वन से कम का मतलब वन बाई टू भी हो सकता है, वन बाई थ्री भी हो सकता है, वन बाई फोर भी हो सकता है, वन बाई फाइव भी हो सकता है। एक बात हमें आप लोग बताइए कि अगर कोई नंबर वन बाई एक से कम हो, अगर कोई नंबर एक से कम हो जैसे वन बाई टी है, इसका पावर वन है तो इसका आंसर भी वन बाई टू आएगा, वन बाई टू के पावर दो कर दो वन बाई फोर आ जाएगा, वन बाई टू के पावर थ्री कर दो वन बटा एट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका पावर और बढ़ा दें, वन बाई टू के पावर फोर कर दो वन बटा सोलह आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ एक में दो भाग, एक में चार भाग, एक में आठ भाग, एक में सोलह भाग, बताइए धीरे धीरे घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर हम इसी तरह से पावर बढ़ाते जाएंगे तो इसी तरह से घटते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जिस समय इसका घटते घटते मान कितना हो जाएगा जीरो, क्लियर है। तो अब ऐसे देखो कि अगर अल्फा डेल्टा टी का मान वन से कम होगा तो ये जो पावर तुम बढ़ाते जा रहे हो, जैसे अभी बताए कि अल्फा डेल्टा टी वन से कम, तो वन बाई टू तो वन से कम है कि नहीं, यानी फिक्स है कि 0.9 0.8 ये रहेगा ऐसा टर्म में, और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू हमेशा घटता है, ठीक है ना, जैसे यहां पर हम बता दिए। तो इसका मतलब क्या है दोस्त कि अगर अल्फा डेल्टा टी का मान वन से अगर कम होगा तो इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसका फोर, इसका फाइव, इसका सेवन हमेशा घटते जाए, और घटते घटते ऐसा एक टर्म आएगा जहां पर क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि वन प्लस अल्फा डेल्टा टी के मान, ये सब अल्फा डेल्टा टी के बाद ये सब जो टर्म होता है बाबू ये काफी छोटा होते जा रहा है, और छोटा होते जाने के कारण ये सब टर्म को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इग्नोर कर दोगे तो इग्नोर कर दोगे तो वाला मान बचेगा, यानी बचेगा आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी जो हम पहले बताए हैं आपको, ठीक है ना। यानी पहले वाला फॉर्मूला आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, यह कब सही है बताओ, यह तब सही होगा जब अल्फा डेल्टा टी का मान वन से क्या हो कम हो। तो जेई में इस पर क्वेश्चन पूछा है, ट्वेल्थ क्लास जो हम शुरू में पढ़ाए तो उतने में काफी है दोस्त, लेकिन जो जेई की तैयारी करते हैं उसके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए कि देखिए ये जो फॉर्मूला है कौन फॉर्मूला आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टीटा, ये कब लगता है जब अल्फा डेल्टा टी का मान वन से कम या वन के बराबर। अगर 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 अल्फा डेल्टा टी का मान वन से ज्यादा हो तो आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी सही है कि गलत, तुम कहोगे गलत, ये फॉर्मूला इसके लिए सही नहीं है, ठीक है। तब इसमें कौन काम करेगा, तो ये वाला काम करेगा आर नॉट इंटू वन प्लस ई के पावर अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आई होप जिसको भी ये जो बात हम बताए नहीं समझ में आया तो पीछे वाला टर्म तो समझ में आ गया होगा, उसको आप याद रखिए, जो जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए है ये भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता दी, इसलिए क्योंकि किताबों में लगभग जो हम लोग ट्वेल्थ लेवल की किताब देखते हैं उसमें बात नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिए कि ये फार्मूला ऐसे ही धड़क ये नहीं लगा देना है कि अल्फा डेल्टा कुछ नहीं बैठा दो बस काम हो जाएगा, इस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको इसका अहमियत समझ में आएगा कि यह फार्मूला तब सही है जब अल्फा डेल्टा टी का मान वन से कम हो, अगर अल्फा डेल्टा टी का मान वन से अधिक हो तो ये फार्मूला गलत है, इसके केस में ये लगता है, ठीक है। अब हम आपको न्यूमेरिकल सिखाते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए हैं कि किसी चालक तार का तापमान गुणांक, देखिए अगर छोटा सा न्यूमेरिकल है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये सब ट्वेल्थ लेवल के ही न्यूमेरिकल है कि एक चालक तार है और इस चालक तार का तापमान गुणांक, अच्छा बताओ तापमान गुणांक को किससे स्वीकृत है, अल्फा से, इसका मान है बाबू 10^-4, ये हो गया सेल्सियस इनवर्स। शुरू के जो तापमान है वह है 100 डिग्री सेल्सियस, और इस समय जो प्रतिरोध है देखा लिखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध 100 ओम है, तो शुरू वाला जो तापमान है उस पर जो प्रतिरोध है वो कितना है 100 ओम, और शुरू वाला तापमान पर जो प्रतिरोध होता है उसको आर नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो कहता है कि तापमान को बढ़ाकर हम 150 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो फिर एकदम सिंपल बात हो गया। अब यहां से देखिएगा हम लोग क्या पढ़े प्रतिरोध का फॉर्मूला, प्रतिरोध का फॉर्मूला
टी तापमान पर आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। अब बताओ आर नॉट का मान कितना है बाबू, 100, ठीक है। वन प्लस अल्फा, अल्फा का मान है 10^-4 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब दोनों के ताप में अंतर, तो 150 में से 100 जाएगा 50 हो जाएगा, ये हो गया बाबू 50 हो गया। अब इसको गुना भाग कर देना, यहाँ से देखिएगा अल्फा डेल्टा टी का मान, यहाँ पर देखो अल्फा डेल्टा टी, अल्फा और डेल्टा टी, अल्फा और डेल्टा टी, अल्फा का मान है 10^-4 और डेल्टा टी हो गया 50, यानी हम 50/10^4 लिख सकते हैं, कट जाएगा 0.005। बताओ ये 1 से कम है कि नहीं, तो 1 से कम है तब इसका फार्मूला ये वाला लगाएंगे, अगर इसका वैल्यू 1 से अधिक हो जाता तो ये फार्मूला काम नहीं करता। अगर इतना आपको नहीं बुझाता है तो बस इतना समझिए कि अल्फा का मान दिया, आर नॉट का मान दिया, इतना तापमान दिया, आर का मान निकाल लेना, ठीक है कि नहीं। अब हम इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं जहां पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना, हम जो बताए थे, जल्दी से आप इसको उतारिए। चलिए तो दोस्त एक क्वेश्चन है कि एक चालक तार का अल्फा का मान इतना दिया है, तो इस चालक तार का 200°C पर प्रतिरोध ज्ञात करें यदि 0 पर इतना है। क्वेश्चन वही है बाबू, देखो क्या है कि एक चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार में अल्फा का मान दिया है कितना, 10^-2°C, ठीक है। कहता है कि 0°C तापमान पर प्रतिरोध कितना ओम है, 100 ओम, तो अगर तापमान को बढ़ाकर हम 200°C कर दें तो प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है ना, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। अब बताओ इसके लिए तो आप लोग पढ़े आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, आप लगा दो आर नॉट, आर नॉट का मतलब जो शुरू में ताप प्रतिरोध हो, तो शुरू में प्रतिरोध कितना था, 100, वन प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना है बाबू 10^-2, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब तापांतर, तो 200 में से 0 जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है, हो गया 200, ठीक है। आप क्या करोगे 100 इंटू वन प्लस, ये तो आ जाएगा 2, 1+2 इज इक्वल टू 3 इंटू 300 ओम, लेकिन ये हो जाएगा गलत, ठीक है। अभी सोल्यूशन क्यों गलत है, ठीक है ना, तब हम आपको अभी समझाए थे कि सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए अल्फा डेल्टा टी के मान निकाल के देख लो, अगर अल्फा डेल्टा टी का मान 1 से कम हो तभी फार्मूला लगता है। यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी का मान निकालो तो अल्फा डेल्टा, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा का मान कितना है बाबू 10^-2 और डेल्टा टी का मान 200 में से 0 जाएगा 200, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अभी बताया था कि अल्फा डेल्टा टी का मान अगर 1 से कम हो तभी फार्मूला निकलता लगता है, यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी का मान 2 है यानी ये फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, किताब जितने भी होंगे लगभग, है ना, HCB में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है तो लगभग उसमें अल्फा डेल्टा टी का मान आपको 1 से छोटा ही देगा। हम आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यह फार्मूला कहाँ लगाना है, तो यह फार्मूला तब लगेगा जब अल्फा डेल्टा टी को गुना करने पर 1 से कम, यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी को गुना किए तो कितना आ गया 2, इसलिए फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग जब बनाओगे ना जनरली यही फार्मूला लगाना, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जनरली, ठीक है ना। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसको अगर हम सही बनाना चाहें तो इसका सही सोल्यूशन क्या होगा, चूंकि यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी जो है वह 1 से बड़ा है, तो हमने बताया था कि अल्फा डेल्टा टी अगर 1 से बड़ा हो तो इसके लिए फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस 1^(αDT), इससे बनेगा ना कि इससे बनेगा। अब आर नॉट का मान लगे 200, वन प्लस 1^(α), अल्फा 10^-2 और डेल्टा टी तो 200 आया था, तो हो जाएगा वो 100 इंटू वन प्लस 1^(e^2) हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, वही ओम में प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अल्फा डेल्टा टी अगर 1 से अधिक हो तो इस फार्मूला को लगाना, और 1 से कम हो तो इस फार्मूला को लगाना, ठीक है। अब हम एक और न्यूमेरिकल आपको लिए कर देते हैं, याद रखिए ये जनरली आपसे बहुत रेयर में क्वेश्चन मिलेगा इससे, ठीक है। आप जनरली इस फार्मूला को याद रखो, आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा प्लस डेल्टा टी, और इसी को लगाते जाओ, जनरली इसी पर काम चल जाएगा, ठीक है।